मिलने की वजह से परेशान है। कुछ युवक बिना रोजगार के गुनाह के रास्ते पर चल पड़े। हरियाणा में अपराध का ग्राफ प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राजनी गोलीबारी तक की खबरें अखबार के प्रमुख पृष्ठों में छपती हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रात को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से निकलते टाइम सोचना पड़ता है कहाँ जाएं, जाएं ना जाएं। हर रोज़ रेप तक की अखबार के अंदर खबर किसी न किसी पन्ने पर जरूर छपती है। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर है। न व्यापारी खुशी है, न महिला खुशी है, न नौजवान खुश है, न किसान खुश है, न मजदूर खुश है। ऐसी सरकार जो एक भी वर्ग के हित का ख्याल नहीं रख रही, सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर बांट के हरियाणा को डिस्ट्रॉय कर दिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली का मॉडल यहाँ पे लाएगी और इनके सब विकास कार्यों में आगे बढ़ाएगी। दिल्ली का मॉडल यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी। मॉडल दिया है 24 घंटे बिजली और पानी, फ्री बिजली फ्री पानी, अच्छे से अच्छे स्कूल, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त। जो जनता के लिए काम करते हुए शहीद होते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं, उनको 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त, घर घर राशन की योजना। ऐसी एक सरकार जिन्होंने हर क्षेत्र के अंदर एक मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल को पूरे हिंदुस्तान के अंदर पसंद किया जाने लगा है। हरियाणा के लोग विशेषकर दिल्ली के मॉडल को हरियाणा में चाहते हैं और उसी क्रम के अंदर हम इस चुनाव को लड़ रहे। खट्टर साहब ने जहाँ किसानों को नाराज तो रखा ही हुआ था, किसानों के प्रति अपशब्द तो बोले बोले, अब मजदूरों भी उनको दिक्कत देने लगे। खूरी का एक मामला आपके पड़ोसी जिले के अंदर सामने आया। 1 लाख मजदूर उसके अंदर रहते थे जिन्होंने सिर पे टोकरी ढो ढो के फरीदाबाद का निर्माण किया, जिनके आज भी फरीदाबाद के संभ्रांत परिवारों के अंदर घरों में वो झाड़ू का, पोछे का, बर्तन का, खाना बनाने का काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था कि इनको पुनर्वास किया जाए और उसके बाद इस वन क्षेत्र भूमि को खाली कराया जाए। डबल बेंच का ये ऑर्डर था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो ऑर्डर स्टैंड करता है। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने एफिडेविट दिया था कि हम रिहैबिलिटेशन करेंगे और रिहैबिलिटेशन करने के बाद इनकी इस वन क्षेत्र को खाली कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अपने उस एफिडेविट को भूल के भी ये रिहैबिलिटेशन की बात नहीं कर रहे। आज उसको सरासर तोड़ने की बातें लगातार की जा रही है। उनके विस्थापन का कोई काम नहीं किया। जब चारों तरफ से हम जैसे लोगों ने आंदोलन किया, इस उनकी आवाज़ को उठाया, तब खट्टर साहब कहीं जाके बोले कि 1400 लोगों को हम पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। 1 लाख में से 1400, ये कहते जो हरियाणा मूल के होंगे उनके करेंगे। मैं खट्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आदमी यहाँ पे आ गया, यहाँ का आधार कार्ड बन गया, यहाँ का वोटर कार्ड बन गया, कब तक उनको मूल निवासी आप नहीं मान? चौटाला जी जैसे बाहर आ गए हैं तो इससे आम आदमी पार्टी को क्या मानते हैं कि क्या कोई नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? क्योंकि हरियाणा की राजनीति में उनको बाहर आने के बाद में पूरी हलचल मची हुई है। चौटाला जी प्योर जाति की राजनीति करते रहे हैं और जिस जाति के लिए वो लड़े हैं, चौटाला परिवार ने उस जाति को पिटवाने का पूरा प्रबंध। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।